सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो भाई बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइज हम इसमें एक यूनिक शॉट 310 का रिव्यू करने वाले हैं, जो कि फ्री शॉट है, स्पेशल है और सबके लिए अवेलेबल है। तो गाइज हम इस शॉट की भाई एकदम रिक्वेस्ट आई थी, जिस वजह से हम भाई इस शॉट को लेके आए हैं। इसकी रिव्यू गाइज आपको मल्टीप्लेयर के अंदर मिलेगी, सब कुछ गाइज, टाइमिंग से लेकर के किस टाइप की बॉल को कनेक्ट नहीं करता है और किस टाइप की बॉल को कनेक्ट करता है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो भाई ये फ्री शॉट है, खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सेटिंग में आना, शॉर्ट मैप में आना। शॉर्ट मैप में आने के बाद डायरेक्शन 5 o'clock पे देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन है, लॉफ्ट में क्लिक कर लेना। काफ़ी नए बंदे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो लॉफ्ट पे क्लिक करना, डायरेक्शन देख लो इधर कर देना, स्पेशल नीचे जो बटन है वहाँ दबा के 310 नंबर का शॉट सब बैट्समैन के लिए भाई, जितने बैट्समैन जितने टाइप के हैं सबके लिए ये शॉट अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे हो गया शॉट की डिटेल, और गाइज बात करते हैं हम कि किस किस लेंथ को ये शॉट कनेक्ट करता है। तो चलो गाइज यहाँ पे देखते हैं भाई, फुलर लेंथ की बॉल है सामने देख लीजिए, इसको भी कनेक्ट कर दिया। स्विंग बॉल होगी फुल लेंथ पे, उसको भी कनेक्ट कर देता है। यॉर्कर भी आसानी से कनेक्ट करता है, किसी भी टाइप की बॉल हो, स्विंग बॉल पे हल्की सी दिक्कत होती है लेकिन पोजीशन सही करोगे तो उसको भी कनेक्ट कर देता है। गुड लेंथ पे गाइस स्विंग बॉल को कनेक्ट करता है, दूसरा कैरम को कनेक्ट नहीं करता है, गुगली को कनेक्ट नहीं करता है, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, ये सबको कनेक्ट कर लेता है। तो ये हो गई लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं पोजिशन की, तो चलो गाइस यहाँ पर देखते हैं पोजिशन। तो अगर स्ट्रेट बॉल रहे तो 1 step की डिस्टेंस रखनी है, फिर शॉट को खेलना है। देखो एकदम बैट के बीचों बीच बॉल आई है, एकदम भी बॉल थोड़ी सी भी बाहर नहीं है। बॉल अगर बाहर निकल रही हो तो आपको बॉल के लाइन में रहना है, वहाँ से खेलना है, एकदम परफेक्ट कनेक्शन कर दोगे। वहीं बॉल अगर अंदर आ रही है तो आपको 1 step की डिस्टेंस रखनी है, फिर शॉट को खेलना है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइमिंग की कि किस तरीके से आप टाइमिंग कर सकते हो। फास्ट मीडियम बॉलर की बिल्कुल धीमी गति की गेंद हो तो गाइस आप हाफ पिच पे खेलना, प्रॉपर हाफ पिच पे खेलना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे सामने हमने कैसे खेला है, और एकदम भाई ये ज़्यादा दूर जाती नहीं है वैसे, लेकिन 6 रन देके जाता है, अच्छे से कनेक्ट हो गया ना भाई, तो ज़्यादा मतलब टाइमिंग ना हो तब भी रन दे देता है। अगर वहीं फुल स्पीड में हो तो हाथ से रिलीज होने के बाद आपको खेलना है, ठीक है। ये फास्ट मीडियम है इसलिए टाइमिंग आपको थोड़ा सा अलग दिख रही होगी, वहीं फुल प्रेशर बॉलर आता तो भाई इसकी टाइमिंग अर्ली होती थोड़ी सी, लेकिन 163 के अकॉर्डिंग इसकी टाइमिंग सही है। यहाँ पे देखो स्पिनर की बिल्कुल धीमी गति है, गेंद की पिचिंग होने से पहले मैं खेलूँगा, देखना एकदम पिचिंग हुई उससे पहले मैंने खेला, और देखो यहाँ पे गई बॉल 6 रनों के लिए। वहीं अगर गाइस स्पिनर की फुल पेस वाली बॉल हो तो हाफ पेस से हल्की सी आगे बॉल निकल जाए तब आपको खेलना होता है, ठीक है। ये सब कुछ हो गई शॉट की, तो भाई आप एक शॉट को फ्री है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो आप रख सकते हो, वरना 163 अगर आपके पास है तो उसी के साथ जा सकते हो। वही 163 यॉर्को को कनेक्ट नहीं करता इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई हम आपके लिए ऐसे ऐसे शॉट्स लेके आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं भाई, और हर एक शॉट आपकी डिमांड पे आती है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा बनाते रहें।